माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुंबई यूनिवर्सिटी आइडल डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ नोटिफिकेशंस को रिलीज किया गया है। ये नोटिफिकेशंस उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एग्जामिनेशंस दी थी और उन्हें किसी सब्जेक्ट में 80 KT बैकलॉग लगा हुआ है। ये चीजें जो थी जुलाई सेशन के स्टूडेंट्स के लिए तकरीबन 1.5 महीने से चल रही है, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिल रहा है। अब यहाँ पे फाइनल राउंड का एक्सटेंशन दिया गया है अलोंग विद जनवरी सेशन के स्टूडेंट्स। नोटिफिकेशन चेक करने के लिए आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइए। आइडल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एग्जाम डेट्स का कॉलम दिखाई देगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपको एग्जामिनेशन डेट्स और एग्जामिनेशन फॉर्म चेक करोगे तो आपको सारी चीजें देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर आपको कौन से नोटिसेस देखने की जरूरत है। जो इनिशियल नोटिसेस आपको यहाँ पर दिख रही है, ये चार नोटिसेस आपको यहाँ पर दिख रही है, ये नोटिसेस जनवरी सेशन के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। और उसके अलावा जो बाकी के नोटिसेस की मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ, ये जुलाई सेशन के स्टूडेंट को एक्सटेंशन मिला हुआ है। तो आप अपने रिस्पेक्टिव कोर्सेज के हिसाब से सिलेक्शन कीजिए और अपने नोटिसेस को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक नोटिस की बात करने वाले हैं जो होने वाला है जनवरी टू दिसंबर सेशन के स्टूडेंट का, जिनको FIBA FIBCOM के स्टूडेंट को 6 से लेकर 11 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट कोर्स है FIBA SIBA एंड FIBCOM SIBCOM फॉर एनुअल पैटर्न। ये होगा जुलाई सेशन के स्टूडेंट का, जिनको लेट फीस के साथ पेमेंट करने के लिए कहा गया है। आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि आप कौन से सेशन के स्टूडेंट है, पहले आपको ये पता होना ज्यादा जरूरी है, उसी के बाद आपको ये सारी चीजें एप्लीकेबल होने वाली है। फिर आप हम बात करने वाले हैं यहाँ पर TY BSc IT के स्टूडेंट्स की। यहाँ पर कभी भी फॉर्म फिलिंग करने से पहले ये जो नोटिसेस आप चेक करते हो ये आप लोग पहले स्टार्टिंग में देख लीजिए। यहाँ पर 7 से लेकर 13 तारीख तक आपको यहाँ पर समय दिया गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे TY BCOM के स्टूडेंट्स की। ये जुलाई सेशन के स्टूडेंट था है जिनको लेट फीस के साथ एक्सटेंशन दिया गया है 11 अक्टूबर तक। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कोर्स आ जाएगा TY BA, जिन्हें फिर 6 से लेकर 11 अक्टूबर तक का एक्सटेंशन दिया गया है फॉर जुलाई सेशन स्टूडेंट। ये सभी के सभी कोर्सेस ओल्ड एंड रिपीटर स्टूडेंट्स के लिए होने वाले हैं। MA पार्ट 1, MA पार्ट 2, MA एजुकेशन पार्ट 1, MA एजुकेशन पार्ट 2 6 से लेकर 11 अक्टूबर के एक्सटेंशन के साथ आपको दिया गया है फॉर जुलाई सेशन। यहाँ पर आप देख भी सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले MA पार्ट 1, MA एजुकेशन पार्ट 1 फॉर जनवरी टू दिसंबर सेशन। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप गलती से एक इधर का उधर कर दोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कतें हो सकती है। फिर हमारे लिए नेक्स्ट सेशन आने वाला है यहाँ पर MCOM पार्ट 1 एंड MCOM पार्ट 2 का सेशन आने वाला है, जिन्हें फिर से एक्सटेंशन दिया गया है 11 अक्टूबर तक का। नेक्स्ट हमारा कोर्स होने वाला है MCOM पार्ट 1। ये सेशन है जनवरी से लेकर दिसंबर का सेशन, जिसमें 6 से 11 तक नॉर्मल डेट्स एंड 12 से लेकर 18 अक्टूबर तक आपको विथ लेट फीस का एक्सटेंशन दिया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर MA MSc मैथ्स पार्ट 1, MA MSc मैथ्स पार्ट 2 के को एक्सटेंशन दिया गया 11 तारीख तक। और फिर सेम MSc IT CS पार्ट 1, MSc IT CS पार्ट 2। फॉर्म फिलिंग किस तरीके से करना है ये सारी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर नीचे दी गई है, आप उसको रीडिंग कीजिए, उसके हिसाब से आप अपने फॉर्म को फिलअप कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की आइडल रिलेटेड ऑथेंटिक अपडेट के लिए चैनल पर बने रहे। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।